और हमारे सहयोगी विष्णु हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, सीधा उनका रुख करते हैं। विष्णु, प्रधानमंत्री मोदी का आज फिर से दौरा होगा चूरू, और चूरू के साथ साथ कितने लोकसभा क्षेत्र जिन्हें बीजेपी आज कवर करने की कोशिश करेगी? अंकुर, इस वक्त मैं पुलिस लाइन ग्राउंड पर हूं चूरू के, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विजय संकनाथ रैली को संबोधित करने वाले जी। करीब 3 घंटे अब से वक्त बचा है जब प्रधानमंत्री इस सभा के मंच पर होंगे और यहां पर गरजेंगे, लेकिन उससे पहले लोगों के, कार्यकर्ताओं के आने का सिलसिला शुरू हो गया है। बड़ी संख्या में महिला, पुरुष, बच्चे, तमाम लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं। आप देख सकते हैं कि अब परिवार के परिवार सहित यहाँ पर लोग आ रहे हैं प्रधानमंत्री को सुनने, न केवल सुनने बल्कि उन्हें देखने तक। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जोश है, ये नारे जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है, बच्चे भी हैं, बड़े भी हैं, तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं जी। नारा वही है, अपने बार 400 पार मोदी के लिए। बात करते हैं इसमें कुछ लोगों से, आज प्रधानमंत्री आपकी धरा पर आ रहे हैं, क्या कहना है, कितना अच्छा है आप लोगों के लिए? प्रधानमंत्री जी विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता है और चूरू पर उनका हार्दिक स्वागत है। वो चूरू से बहुत लगाव रखते हैं, शेखावाटी राजस्थान से भी बहुत लगाव रखते हैं। हमारे चूरू में दूसरी बार आ रहे हैं और जिले में 3री बार आ रहे हैं, हम हृदय से उनका स्वागत करते हैं, बहुत बहुत स्वागत है प्रधानमंत्री। बिल्कुल, प्रधानमंत्री आ रहे हैं, क्या लगता है कौन जीतेगा, आप क्या मान रहे हैं कि कितना टक्कर है? हमारे तो मोदी जी जीतेंगे, मोदी जी की लहर है, झाझड़िया जी जीतेंगे और टक्कर बहुत अच्छी है, लेकिन झाझड़िया जी लाखों से ऊपर जीतेंगे। पुराने सांसद थे राहुल कुशवाहा और अब कांग्रेस में चले गए, वो कांग्रेस में चले गए, उनको अब खपा है, हम झाझड़िया के साथ हैं और लाखों वोटों से उनको विजय करेंगे। अब बिल्कुल, आपने देखा कि प्रधानमंत्री का कितना बड़ा करेज है और यहाँ पर आप देख सकते हैं महिलाएं भी आई है। कहाँ से आए आप और कितना प्रधानमंत्री आ रहे हैं, क्या देखने सुनने? चूरू से आए हैं, चूरू से आए हैं। अच्छा, प्रधानमंत्री को सुनने आए, परिवार सहित आए? कितना है कि पहली बार देख रहे हैं या पहले भी आ चुके? नहीं, दूसरी बार देख रहे हैं, पहली बार यहाँ पे आए थे चूरू में प्रधानमंत्री। क्या कहना आपका, बच्चों के साथ आए? बढ़िया लग रहा है, बहुत ही बढ़िया लग रहा है, बढ़िया लग रहा है। हाँ। कौन जीतेगा? मोदी जी, मोदी जी जीतेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ प्रत्याशी है वो गौड़ है जी, मोदी ही प्रमुख चेहरा है, क्योंकि कहीं ना कहीं लगातार हम कहते आए हैं कि राजस्थान में जो चुनाव हो रहे हैं उनमें नरेंद्र मोदी ही चेहरा है, बीजेपी का कमल का निशान चेहरा है, क्योंकि लगातार प्रत्याशी गौण है, क्योंकि यहाँ पहले 2 बार सांसद रहे राहुल कुशवाहा, अचानक उन्होंने पाला बदला जी। और उसके बाद वो कांग्रेस में चले गए और कांग्रेस से उन्हें टिकट दिया गया, लेकिन मुकाबला यहाँ पर मोदी वर्सेज कांग्रेस है, क्योंकि लगातार जो तमाम लोग हैं वो भी यही कह रहे हैं, यहाँ धीरे धीरे लोगों का जमावड़ा शुरू हो गया पुलिस लाइन में। अब से करीब 3 घंटे बाद प्रधानमंत्री संबोधित करने वाले हैं, ऐसे में क्रेज देखा जा सकता है, बच्चे छोटे छोटे आए, बात बच्चों से भी करते हैं। आप यहाँ किसको देखने आए? मोदी जी को। मोदी जी को देखने आए, तो आपका तो वोट नहीं है फिर भी? बिल्कुल, आपने देखा कि बच्चे भी यहाँ पर पहुंचे हुए, क्रेज इतना है प्रधानमंत्री को लेकर कि तमाम लोग हैं यहाँ पर। आपको क्या लगता है सियासी समीकरण क्या बैठ रहे हैं, कितना लोग है जो लोग उनके साथ जुटेंगे? बिल्कुल, आपने देखा कि यहाँ पर लगातार भीड़ का लेकर भी दावे किए जा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अब देखने वाली बात होगी, प्रधानमंत्री जब जहाँ पहुँचते हैं वहाँ पूरा पंडाल भर जाते हैं, उसके बाद बाहर तक लोगों की भीड़ रहती है, अब देखना पड़ेगा। ये नारे और जो जयकारे लगातार बीजेपी के पक्ष में है, लेकिन आप लगातार देख सकते हैं कि ये माहौल जो है वो धीरे धीरे बन रहा है और लगातार यहाँ लोग पहुँच रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं बीजेपी का तो क्रेज है ही, पीएम मोदी यहाँ पर लगातार 3री बार आ रहे हैं, पहले भी आ चुके हैं, तारानगर में अभी कुछ पिछले विधानसभा चुनाव में पहुंचे थे जब